तो हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, हम गुड़िया गुरुप्रिया, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक दीदी कमेंट की थी कि खुद तो परिवार में रहती नहीं, अलग भतार को लेके अलग रहती हैं, तो उनके लिए हम वीडियो खास करके उनके लिए बनाते हैं कि अक्सर लोग जानते हैं कि हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे घर में हमारी देवरानी है, दो देवर हैं, एक ननद हैं, ससुर हैं, हम हैं, हमारे पति हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा एक छोटा सा बेबी भी है, ठीक है। तो आपकी जो गलत फहमी है ना, गलत फहमी दूर रखिए, ठीक है। हम अपने भतार को लेके अलग नहीं रहते हैं। हमारी शादी 12 साल हो गई है ना, 12 साल हो गई हमारी शादी, जो कि अभी तक हमारा फैमिली चल रहा है। कभी देखिए, एक सास के ना रहते हुए भी हमारी फैमिली चल रही है, वो भी क्यों चल रही है, हम चला रहे हैं तब चल रही है, ठीक है। ऐसे ही हमारी फैमिली नहीं चल रही है। अभी तक हमारे घर में मतलब अलगी बिलगा कुछ भी नहीं, बहुत सारे लोग जो अगल बगल के कुछ लोग हैं जो कि भड़काने की कोशिश किए, हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश किए, लेकिन कोई हमारे फैमिली को तोड़ नहीं पाया। क्यों नहीं तोड़ पाया? क्योंकि हम लोग एक साथ रहते हैं, और कोई भी बाहरी लोग अगर कुछ भी आ करके मेरे घर में मेरे परिवार से जी या फिर इसकी मम्मी से अगर कोई कुछ कहता है, तो हम लोग आपस में पहले समझते हैं क्या सही है क्या गलत है। देखिए, तीसरे के ही आ जाने से घर परिवार टूटता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग तीसरे के बातों पर विश्वास मत कीजिए। पहले कोई अगर बाहर का कोई आपसे कुछ कहता है ना, तो बेझिझक पहले अपने फैमिली में रह करके समझ लीजिए क्या सही है क्या गलत है। अगर आपकी फैमिली अगर गलत होगी तो वो झूठ तो बोलेगी ही, और ऐसे भी झूठ तो लोग बोलते हैं तो पकड़ा ही जाते हैं। और देखिए, मेरा बेटा भी उठ चुका है, और बाय बाय कर दो। बोलते हैं दोस्तों कि हम अपने फैमिली से अलग रहते, अपने भतार को लेकर के रहते, तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, हमारी ज्वाइंट फैमिली है। आप लोगों को बताना चाहते थे, और लोगों से आप लोगों को मिलवाएंगे। आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा। हम झूठ बोलेंगे तो हमारे फैमिली वाले थोड़ी ना झूठ बोलेंगे। तो इसकी मम्मी से अभी तो सोई है, बाद में मिलवाएंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं मेरा बाबू अपने हाथ से खाना खा रहा। बाबू खा के दिखाओ कैसे खाते हो, खाओ मुंह में डालो, आ खाओ, मर्चा खाना खाओ, आ मुंह में डालो, खो। दोस्तों देखिए, इसकी मम्मी किसी काम के लायक नहीं है। देखिए, भात चटनी खा रहा है, खा ला, बड़ा लायक बाटू, अपने भरे खाली जाने लू। मम्मी के लुगम जा पोछ रहा, मम्मी के लुगम पोछ रहा। तो दोस्तों, सोए थे हम लोग, जो कि सो करके उठ चुके हैं, और शाम भी हो चुका है, अभी तक वीडियो भी शूट नहीं हुआ, अब जा रहे हैं वीडियो शूट करेंगे। और हमारे पति देव जी क्या कर रहे हैं आप लोगों को दिखाते हैं। हे सुनिए, हमारे घर में हम अपने भतर लेके अलग हो गए, नहीं क्यों कहला है, सही बात है, तू अलग हो गए न। दोस्तों आप लोग कह रहे थे, देखिए क्या रहते हैं, देखिए अभी ये कहीं चूल्हा है, इतना सारा बर्तन यहाँ पे, शाम को दिखाएंगे कितना हमारे घर पे खाना बना। तो फाइनली दोस्तों, आज हमारे घर पे बन रहा है कटहल का तरकारी, और क्या बनता हो, पूरी बनता है। देखा तल बतारे के रखे अलगे रह लियो, क्या फोड़ के देख लिया, हमारे घर का बनता है। तो दोस्तों, बच्चे हैं, दाल को मतलब छौका गया, उसी को मांग के खा रहे हैं। बताइए, अभी मांग के खा लेंगे तो रोटी में कैसे खाएंगे। यो ले, दे दा। तू तो पाथर खा के जी गया। तथैया हो जलने वालो, देख लो, हमारे घर पे दाल की पूड़ी और कटहल का तरकारी और खीर, और का लाला चाय नहीं बना के दिन में रह रुआ जो चाय बन देखला, हड़कावत है, समझ में नहीं आवत। हाँ चला ठीक है, हमारे मम्मी हमारे दादा लाइक खाना बन चुका है, और सारे लोग खा भी चुके हैं, और थोड़ा आज खाना कम पड़ गया था इसलिए बन गया है। देख सकते हैं सेवई, हम लोग सेवई खा रहे, क्योंकि
दाल की पूड़ी बनी थी ना तो कम पड़ गया, एक एक पूड़ी मतलब मिला था खाने के लिए। और सेवई बना करके देख सकते हैं खा रहे हैं। किसको किसको खाना पसंद है प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। तो बाय बाय आप सभी को, गुड नाइट।